अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया चलिए लिखा है, गलती लिखा है, चलिए ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः चार प्रकार की होती है। कौन कौन? संयोजन अभिक्रिया पहला हो गया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। भाई बता दे, नहीं तो आप तो कहेंगे सर जी हमारे में तो अपघटन नहीं लिखा है, वियोजन लिखा है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हुई, हम सब बता देंगे आपको, ठीक है। बाकी जो कुछ छूट वगैरह जाता है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा जगह आपका दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया। दुहेरी का मतलब होता है दुई, दुई विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? दो तत्व आपस में मिलकर एक बन जाएंगे, दो लोग मिलकर एक बन जाएंगे तो हो जाएगा संयोजन। दो गो मिलेंगे तत्व या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर एक बनेंगे उत्पाद, वो कहलाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए एक आपका अभिकारक ए हो गया, दूसरा अभिकारक बी हो गया, और बना दिए सब सी, दोनों मिलकर क्या बनाए सब सी, एक उत्पाद। दो गो अभिकारक मिले हैं, आपको गो उत्पाद बनाए, एक गो उत्पाद बनाए, तो एक गो उत्पाद बनाए तो यहाँ पर क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों क्या हो गए? मिल गए, संयोग कर गए, एक गो उत्पाद बना दिए, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए उदाहरण समझते हैं इसका। कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब जब कोयला को हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल वही उत्पाद ही बनता है, ठीक है। देखिए कार्बन ये आपका कोयला है और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अकेले बना है ना, तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जल का निर्माण, देखिए जल कैसे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। जब दोनों आपस में मिले तो क्या बना दिए? जल। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा हुआ चूना, इसके अंदर है आग। अभी देखिए आगे हम दिखाएंगे, समझाएंगे इस चीज को, पहले समझिए इसको। कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका है जल, तो बिना बुझा हुआ चूना को पानी में जब मिलाएंगे तो इसकी आग बुझ जाएगी। देखिए बिना बुझा हुआ चूना मतलब इसकी आग बुझी नहीं है, इसके अंदर अभी आग है। जब इस पानी के संपर्क में आ जाएगा, यानी पानी जब मिला जाएगा इसकी आग बुझ जाएगी, तो हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए ये दुग्गो मिलकर एक उत्पाद बनाए, दुग्गो मिलकर एक उत्पाद बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा का मतलब होता है हीट, उष्मा ऊर्जा, और क्षेपी का मतलब होता है क्या चीज? निकलना। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती हो? निकलती हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती हो? निकलती हो, उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब उत्पाद तो बनेगा लेकिन उसके साथ उष्मा भी निकलेगा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो इसके पहले वाला जो है अभिक्रिया था जिसमें हम कह रहे थे कि बिना बुझा हुआ चूना है, आज जब इसको पानी में मिला देंगे तो इसकी आग बुझ जाएगी। तो आग गई कहाँ? आग वही ऊर्जा के रूप में आगे निकलेगी। ये बिना ये बुझा हुआ चूना तो बनेगा, इसके आगे ऊर्जा भी निकलेगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? उष्मा निकली है, रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुआ है। देखिए यहाँ पर उदाहरण से हम लोग समझते हैं, या फिर इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मतलब जो आपका बायोगैस होता है, बायोगैस का मतलब क्या? जो गोबर गैस होता है उसमें कौन सी गैस बनती है? मेथेन गैस बनती है। और जब मेथेन गैस को जराइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा? उष्मा नहीं देता है। अब बताइए मेथेन गैस अगर जराएंगे उष्मा नहीं मिलेगा तो क्या आपका खाना पक पाएगा? बाकी काम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी मेथेन गैस जब जलता है तो आपको ऊर्जा देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब जलता है। तब ये मेथेन हो गया, इस मेथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तीर के बाद है, और जल आ प्लस उष्मा मिलेगा। इसी का तो जरूरत था हमें, ठीक है। उष्मा निकल रही है मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इस पर पहले ही बात चल चुका है, शुरू में ही हम बता दें श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लीजिएगा तो फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा जो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, 2-3% या 4-5% ऑक्सीजन को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन जो है, जब आप खाना खाए थे तो खाना खाने के बाद जब खाना अंदर पचा था तो ग्लूकोज बना था, उसी ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड जल आप प्लस उष्मा बनाएगा। अब वही उष्मा इस शरीरिया में है, वही उसी गर्मी से क्या है, शरीरिया गर्म रहती है, इसीलिए खाना खाने के बाद ऐसा गर्म गर्म खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, गर्मी से तो मिलता ही है गर्मी, तो खाली गर्म गर्म खाइएगा, खाली गर्म आग खाइएगा तो जिएगा नहीं जिएगा, जब खाना वाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज को क्या होता है, ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, और वही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज जो बना हुआ है खाना खाने की वजह से उसी से अभिक्रिया करता है, तो हमको ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, इससे शरीर क्या होती है, गर्म रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या बाकी हम लोग काम वगैरह करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना, विघटन, टूटना, बिखरना, जुदा होना, ये सब क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें होगा क्या कि एक आपका यौगिक रहेगा और जब उसको ऊर्जा दे देंगे तो दो गो या तीन गो में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दो गो या तीन गो में क्या हो जाता है, टूट जाता है। बात समझ आ रहा है, जैसे मान लो भाई ए है और इसको जब ऊर्जा देंगे तो यह बी और सी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे दो दोस्त की अगर दोस्ती को तोड़ना है तो बाहर से कहीं ना कहीं से दिमाग लगाइए, अब अगर तोड़ना है, मान लीजिए हो सकता है भाई दो दोस्त का बहुत सारे दुश्मन होते हैं, आप अगर वो क्या करेगा, वो कोनो ना कोनो उपाय लगाएगा दोस्ती को तोड़ने के लिए, आप चाहे जौन ना उपाय लगा दो, जौन उपाय लगा रहा है ना वो ऊर्जा का काम कर रहा है, वो ऊर्जा बिना दिए वो दोस्ती टूटेगी नहीं, तो बाहर से ऊर्जा लगाएगा, और जब दोनों के दोस्ती से ज़्यादा अगर ऊर्जा वो लगा दिया तो दोस्ती टूट जाएगी, अगर कम ऊर्जा लगाए तो दोस्ती नहीं टूटेगी, तो ऊर्जा उतना उपयुक्त होना चाहिए कि दोस्ती क्या हो जाए, टूट जाए, अगर ऊर्जा कम होगी तो दोस्ती नहीं टूटेगी। सर दोस्ती तोड़वा रहे, नहीं हम भी बस एग्जाम्पल दे रहे बाबू, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए है, जब इसको ऊर्जा दिया जाएगा अधिक से अधिक तो यह टूट जाएगा बी और सी में, तो ये वियोजित हो गया, टूट गया, इसीलिए हम इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, परिभाषा से कहते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, एक अभिकारक जो है टूट जाएगा और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। आप समझ जाइएगा कि ये जो आपका जो वियोजन अभिक्रिया है यह बिना ऊर्जा का नहीं होगा, क्योंकि जब इसको ऊर्जा दीजिएगा तब ये टूटेगा, ठीक है। अब समझिए वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है, अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो है केवल मतलब देखिए ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए तोड़ने के लिए, तो ऊर्जा का भी कई रूप होता है, कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए उष्मीय वियोजन, तो उष्मा के द्वारा जो वियोजन होगा उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है एग्जाम्पल में फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब उष्मा दीजिएगा ना तो ये फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा, तो देखिए ये को था और तीन को में टूट गया तो वियोजित हो गया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए आज जो आपका फेरस सल्फेट होता है ना ये हरे रंग का होता है, और जब टूट जाएगा फेरस ऑक्साइड में तो हो जाएगा आपका भूरे रंग का, तो फेरस ऑक्साइड जो होता है किस कलर का होता है, भूरे रंग का, या भूरा लाल हो जाएगा, भूरा लाल रंग का हो जाएगा, भूरा लाल मतलब मिक्स हो जाएगा, भूरा लाल रंग का हो जाएगा। और इसके पहले का था ही हरा कलर का, हरियर कलर का था, फेरस सल्फेट किस कलर का था, हरा कलर का। अब देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करेंगे, जिसको चूरा पत्थर कहते हैं हम लोग, जब उष्मा दीजिएगा ना हीट दीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, तो अब समझ में आया बिना बुझा हुआ चूना के पास आग कहाँ से आया था, ये हम कैल्शियम कार्बोनेट को आग दिए थे, उसी आग को ये सोख कर रखा था, अब मार्केट में था, मार्केट से हम इसको खरीद के लाए और जब पानी मिलाए तो क्या किया वही आग निकाल रहा था पानी के अंदर, तो इसीलिए हम इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि अभी है आग दिया गया इसको और ये आग लेकर बैठा हुआ है, वो गुस्सा लेकर बैठा हुआ है, जब इसको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, अपना हीट रिलीज कर देगा। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ लीजिए पहले देखिए एक था आधे को में टूट गया तो ये वियोजन अभिक्रिया है,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैद्युत वियोजन मतलब बिजली देकर, अब करंट देकर हम लोग तोड़ेंगे। अभी तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि उस ऊर्जा देकर या उष्मा देकर हम लोग तोड़े थे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करके तोड़ेंगे इसको। विद्युत प्रवाहित करके देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये क्या किया गया, ये आपका प्लास्टिक का मग है, ये आपका प्लास्टिक का मग है, और इसमें भर दिया गया है क्या चीज, पानी। दो परख नली लेकर उसको उल्टा इसमें खोस दिया गया है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड में। यहाँ पर देखिए इसको पूरा पैक कर दिया गया, पूरा पैक कर दिया गया ताकि ये पानी नीचे गिरे न। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर तार निकाला गया है, दो तार निकाला गया है, और दोनों तार को बैटरी से कनेक्शन कर दिया गया। बैटरी जो आपकी कौ वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। देखिए ये जो आपका कैथोड, बैटरी का जो कैथोड वाला हिस्सा है ये आपका माइनस वाला हिस्सा है, और जो बैटरी का एनोड वाला हिस्सा ये प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है। ये आपका एक तरीके का कुंजी है जिसको स्विच कहते हैं, जब जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा इसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगा, और जो रिएक्शन चालू हो जाएगा तो कुछ देर बाद देखिएगा कि यहाँ पर होने क्या लगेगा। यहाँ पर एक साइड तो ये थोड़ा सा आपका जगह कम दिखेगा, दूसरा साइड जगह ज़्यादा दिखेगा। तो जिस साइड जगह ज़्यादा होता है ना उधर बनता आपका हाइड्रोजन यानी H2, और जिस साइड आपको खाली स्थान कम लगे ना उस साइड बनेगा आपका ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जल में जो आपका H2O उपस्थित था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग अलग कर दिया। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। अब सोचिए उष्मा के द्वारा क्यों नहीं अलग किए, क्योंकि पानी को जब गर्म कीजिएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, उस समय भी उसकी दोस्ती टूटेगी नहीं, उस समय भी वो H2O ही रहेगा। पानी था H2O, भाप बन गया, अब वो H2O है, दोस्ती टूटा नहीं है, इसलिए इसकी दोस्ती उष्मा के द्वारा नहीं तोड़ सकते हम लोग, ठीक है। आप जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई व्यक्ति बदमाश है या फिर कहीं आपका कहीं काम नहीं हो रहा है तो एक ही उपाय से काम होगा, तरह तरह अलग अलग उपाय लगाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए जरूरी थोड़ा है कि उष्मा के ही, उष्मा से ही अलग कीजिएगा, उष्मा से अलग नहीं हो रहा है तो विद्युत का उपाय लगा दिया गया है, ठीक है। किसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग कर दिया। चलिए अब देखिए प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन का मतलब प्रकाश के द्वारा हम लोग यहाँ पर वियोजित करेंगे। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जैसे मान लीजिए आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखिएगा ना तो ये देखिए सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर और क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए एक को था अलग अलग टूट गया, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रखिएगा तो सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, एक तरीके का वियोजन अभिक्रिया है। और देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये जो आपको दोनों अभिक्रियाएं दिख रही है ना, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग क्या पर होता है, श्याम फोटोग्राफिक अभिक्रिया में, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है ना वो कम अभिक्रियाशील धातुओं से बहुत कभी लाती हैं, जैसे समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो लोहा है यह कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता जब चेक कीजिएगा तो कापर देखिएगा नीचे रहेगा और लोहा जो है उससे ऊपर रहेगा। तो जवन जवन ऊपर होते हैं सब, वो सब जो है कापर को क्या कर देते हैं, सब इनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं सब। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जो आपका लोहा है यह कापर सल्फेट के ये जो पूरा सोलूशन है इसमें से यह लोहा जो है कापर को विस्थापित कर देगा, कापर को कर देगा विस्थापित कर देगा, कहेगा है कापर जल्दी से सीट खाली कर दो, हम आने वाले हैं, अब हम रिएक्शन करेंगे सल्फेट के साथ, अब तुम्हारा बहुत हो गया हटो यहाँ से। देखिए तो क्या होगा, लोहा जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बना लेगा लोहा सल्फेट, और बाकी जो है कापर बेचारा अकेले निकल लेगा। चलिए देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपका ये स्टैंड वगैरह लगाकर यहाँ पर क्या किया गया, परखनली को सेट कर लिया गया, परखनली के अंदर जो है नीला नीला दिख रहा है ना, ये है आपका कापर सल्फेट, क्या है कापर सल्फेट, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, लोहा मिला दिया गया, रस्सी से बांध कर क्या किया गया, लोहा एक लटका दिया गया, रस्सी से बांध कर एक लोहा लटका दिया गया। अब जो लोहा है
ये क्या होगा, धीरे धीरे कापर को विस्थापित करेगा। यानी कि जो नीला कलर दिख रहा है ना, इसका नीला कलर वह बदल जाएगा। नीला कलर किस कलर में हो जाएगा, नीला कलर आपका हरा कलर में बदल जाएगा। किस कलर में, हरा कलर में, धीरे धीरे हरा कलर में बदल जाएगा। यानी कि यह धीरे धीरे आपका जो कॉपर सल्फेट है यह फेरस सल्फेट में बदलने लगेगा। किस में, फेरस सल्फेट में। तो अब देखिए कापर कहाँ जाएगा, कापर जो है यहाँ से देखिए, ये जो फेरस सल्फेट अब बन गया तो यहाँ पर से कापर तो अब रहा नहीं, तो कापर गया कहाँ, कापर जाकर कील के ऊपर चिपक जाएगा बेचारा। यहाँ से लोहा यहाँ पर आएगा, इसको विस्थापित कर देगा और उसके बाद जो कापर यहाँ से निकलेगा लोहे पर जाकर चिपक जाएगा। देखिए होगा क्या, लोहे की कील भूरे रंग की कापर की परत जम गई, लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। कापर सल्फेट के नीले बिलियन का रंग हरा, यानी फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। कापर सल्फेट का जो नीला कलर था वह हरा कलर हो गया, क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जिंक, देखिए जिंक भी क्या रहता है, कापर से ऊपर रहता है। सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या रहता है, कापर से ऊपर रहता है। तो ये भी क्या करता है, कापर सल्फेट के बिलियन में से जिंक जो है कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो जिंक जब कापर को विस्थापित कर देता है तो क्या बना लेता है, जिंक जो है अभिक्रिया कर लेता है सल्फेट के साथ, तो बना लेता है जिंक सल्फेट, और ये आपका बच गया कापर बेचारा। कापर यहाँ से निकल लेगा, अकेले कहीं घूमता रहेगा, निकाह करेगा बेचारा। जिंक कापर से अधिक्रियाशील तत्व है, देखिए जिंक जो है कापर से अधिक्रिया अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए कापर को यहाँ से हटना होगा और जिंक क्या करेगा, सल्फेट साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दो धातु जो है आपस में बदल जाएंगे। ये जो धातु दिख रहे हैं ये धातु यहाँ पर चला जाएगा और ये धातु यहाँ पर रहेगा। इसमें क्या होता है, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे सब। जैसे देखें आप कभी बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं शहर वगैरह में, उसमें क्या होता है, जब डांस वगैरह होता है ना, पार्टी सॉन्ग होता है, उसमें जब डांस वगैरह होता है तो आपस में क्या कर लेते हैं लोग, अपने अपने पार्टनर को चेंज करके डांस वगैरह करते हैं लोग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हो कह रहा है यहाँ पर, आप डांस वगैरह हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपस में चेंज कर ले रहे हैं लोग। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा, ये क्या होगा, ये धातु इधर चला जाएगा और ये धातु इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो बार बार चेंज हो जाता है, यहाँ पर बस एक के बार चेंज होगा। ठीक है, देखिए ये सोडियम जो है आपका चला जाएगा किसके पास, बैरियम के पास, बैरियम यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम यहाँ पर आएगा तो बना लेगा सोडियम क्लोराइड, देखिए आप बना लिए सोडियम क्लोराइड। और देखिए बैरियम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये इसको विस्थापित कर दिया है तो यहाँ पर बना लिया बैरियम सल्फेट, देखिए बैरियम सल्फेट। तो इस तरीके से दोनों अपना अपना जगह छोड़े हैं सब, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है, बेरियम सल्फेट जो आपका बेरियम सल्फेट या जो बना है बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये जो बेरियम सल्फेट होता है आपका सफ़ेद कलर का नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप भी बन जाए नीचे। अवक्षेप का मतलब कहते हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए चाय वगैरह जो होता है, चाय वगैरह में जो नीचे चाय पत्ती बैठी रहती है उसी को कहते हैं अवक्षेप। जब छानते वगैरह तो ऊपर जो बच जाता है चाय पत्ती वगैरह, उसी को कहते हैं अवक्षेप। ठीक है।